गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज है शुभ सप्तमी 12 अक्टूबर। गुड आफ्टरनून इसलिए दोपहर के 2 बज चुके हैं। मॉर्निंग से 3-4 दिन हो रहा है, मॉर्निंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। सबसे बड़ा रीज़न है लाइट का, और क्यों नहीं, वो 4, 4:30, 5 बजे से करंट जो है पावर कट हो जा रहा है। कंटिन्यू 4-5 दिन हो रहा है दोस्तों, पावर कट हो जा रहा है, और बिना लाइट के तो कुछ शूट कर नहीं पाऊंगी। पूरा घर अंधेरा, तो मॉर्निंग से ब्लॉग मेरा स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। जब आ रहा है करंट, तब सारा चीज़ चार्ज में दे के, चार्ज फुल होने का बाद मोबाइल जो है ऑन करके मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो वही करते करते करीब 1-1.5 बजे करंट आया, तो सब चार्ज में लगा के, जितने गैजेट है चार्ज दे के पहले सब फुल हो रहा है चार्ज, उसके बाद मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं बोलिएगा, आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे दुर्गा पूजा। बांडा मुंडा में तो दुर्गा पूजा कुछ बुझाई पड़ भी नहीं रहा है, रालकला का पता नहीं, अभी तक गई नहीं हूँ। तो बांडा मुंडा में जितने 5 जो पंडाल है देखी, थोड़ा बहुत इधर उधर से खबर भी आ रहा है, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। जहाँ कलकत्ता श्रीभूमि में बुर्ज खलीफा बन के रास्ता ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो वो न्यूज़ देख के और यहाँ का माहौल देख के इतना मन दुख हो रहा है। बाहर फेरी वाला आए है, उसका इतना आवाज़ हो रहा है भोंपू का, और यही टाइम है उसको आने का। इतना जोरों से सब जब खा पी के अपना लंच लेके अपना नैप ले रहे होते हैं, और उसको आने का टाइम है, और इतना जोर जोर से मोहल्ला में कॉलोनी में भोंपू बजाएगा, सारे बच्चे उड़ जाएंगे, सब भाभियाँ उठ के देखेंगे क्या है नहीं है। तो यही रोज का उनका जो है सिलसिला है। मेरा वीडियो में उनका आवाज़ आएगा, इग्नोर दैट। तो अभी मैं सारा काम तो सुबह ख़त्म हो गया था, तो कुकिंग खाली बाकी था, मैक्सिमम हो गया है। अभी मछली करी जो है उसको मैं बनाऊंगी, प्रिपरेशन मैं करके रख दिया था, और मतलब मछली धो के नमक लगा के मैंने छोड़ दिया था। अभी उसका हल्दी रसम कंप्लीट करके फिर कुकिंग जो है मैं शुरू करूँगी। चलिए आपको भी दिखाते हैं। और आज जिनके जन्मदिन या शादी के सालगिरह, उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दोस्तों, आज मैंने एक नया नाइटी पहना है, देखिए। ये काप्तन नहीं है, मेरा काप्तन का कलर भी सेम है, मुझे ये कलर ज़्यादा पसंद है, तो मुझे मिला, मैंने लेके आ गई ये नाइटी। भिंडी भुजिया हो गया है, यहाँ पलट गया है दूसरे तरफ, कोई बात नहीं। और एक है, ये सुबह का नाश्ता में तारका बनाए थे और पूरी, चुमा भी खाई, हम भी खाए, मैं भी खाई तारका। अब थोड़े से बचे हैं, इसको मैं रख दूंगी। इधर भिंडी भुजिया हो गया है गलने के लिए, इसका अंदर मैंने ओल डाल दिया था, ओल चोखा जो है वही बनेगा। और मछली के लिए आलू टमाटर मैंने काट के रखे हैं, और मछली धो के नमक लगा के इसको मैंने छोड़ दिया था। नमक खाली दिया, हल्दी क्यों नहीं दिया, हल्दी देने से वो नमक का साथ, नमक देते साथ पानी निकल जाता है, तो हल्दी भी धो के निकल जाता है, फिर से जो है हल्दी दे के इसको मैरिनेट करना पड़ता है। तो मैं इसी प्रोसेसिंग में मछली को नमक हल्दी लगाती हूँ, पहले नमक डाल के इसको मैंने मैरिनेट करके छोड़ देती हूँ आधा घंटा के लिए। फिर इसमें पानी देखिए दोस्तों कितना पानी है इसमें, ये पानी फिर निकल के फिर हल्दी डाल के मैं जो हूँ तलूंगी मछली को। तो बस इसी का आज कालिया बनेगा, मछली आलू दे के पूरा कालिया, मछली रुई माछेर कालिया जेटा है बंगाली दे, और भिंडी भाजा, ओल चोखा, बस और कुछ नहीं। लंच मेनू भात, इसके ऊपर एक मिर्चा मैंने ले लिया है, ओल चोखा, भिंडी भाजी, एक नींबू लिया हूँ, और रुई माछेर कालिया। टुआ के पास भी सेम है। अब हम लोग लंच एंजॉय करते हैं, आप लोग भी कर चुके होंगे, जो नहीं किए हैं हमारे साथ कर लीजिए, हमारे वीडियो देखते देखते कर लीजिए लंच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है महाअष्टमी, हम लोगों ने अभी निकल गए हैं हमारे टुआ सी सेक्टर पांडाल अंजलि देने के लिए। वहाँ शुरू भी हो गया है, फोन के ऊपर फोन आए जा रहे हैं। हम दोनों का लुक कुछ इस तरह से है, दोनों या वो टुआ भी या साड़ी पहनी है। और दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है, आज बहुत एंजॉय होने वाला है, आप लोग देखिएगा।
आप लोग सब कहाँ अंजलि दे के आए कमेंट करके बताइएगा। मेरा प्लान था पहले बी सेक्टर में, लेकिन जा रही हूँ सी सेक्टर में, पूरा कंफ्यूजन है। दोस्तों हम लोग आ गए, पहुँच गए, और सहेली लोग फ़ोन भी कर रहे हैं मुझे, मैं उठा नहीं पा रही हूँ। कंडक्टर बैग जो है मेरा हाथ में है, मास्क भी है, सारा चीज़ लेके कैरी करके फिर फ़ोन में बात करना बहुत मेरे लिए मुश्किल होता है। पहुँच गए हैं सारे भीड़ यहाँ पर, आते टाइम रास्ता में एक इंसिडेंट हो गया है, आपको सब घर जाके मैं शेयर करूँगी। আমাদের আঙ্কেল হবি কমিটি মেম্বার, কমিটি মেম্বার তো সি সেক্টর পন্ডালকে কমিটি মেম্বার। দাদা নামটা বলুন। নাম বলতে হবে? হ্যাঁ, নামটা বলুন, নামটা বলুন। শিবাশচন্দ্র ঘোষ। এবারে পুজো অনেক রেস্ট্রিকশন দিয়ে হচ্ছে না? কোভিড গাইডলাইন মেনেই করছি, যেটুকু করা যায় আর সবার আশীর্বাদে। না খুব ভালো, এটা খুব ভালো হয়েছে, প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে, ভাবতে পারি যেটা হচ্ছে না ওটাই বড় কথা। ওইটাই আমি এতে মনে করি বিশ্বাস হয়ে যাবে, তাও তো মানছে না। আপনি খড়াও কিছু নেই হয়ে যাবে। ওই বাবা বলে তোমায়। হ্যাঁ, এটা ভালো হয়েছে। সব ওখানে দাঁড়িয়ে मेरे सहेली सब खड़े होके इंतजार करे, उन लोगों की तो गिर जाऊंगी। बहुत भीड़ है, साड़ी पहनने का आदत छूट गया है ऑफिस जाते जाते। अब साड़ी पहन के पूरा जहाँ खाली है वही रास्ता से जाने से ठीक है गाइस। कोई किसी को आज के दिन कोई किसी को पहचानेगा नहीं, जो जिसको होगा ठोक देगा। इन सबके हो गए सुबह सुबह, सब सामने रहते हैं दोस्तों। बहुत देरी की। और मैं नहीं, मेरा मेरा तो दूर में घर है, फायदा यही लोग उठाई सब। नहीं नहीं, ज्यादा दूर में नहीं है, पूजा का डेंटिंग पेंटिंग करते करते उसका देरी हो गया। इसका मेकअप कुछ ज्यादा ही हुआ है, कुछ ज्यादा है। उनका साइज भी कुछ ज्यादा है, हम लोग थोड़ा कम है। सब कम हो गया, मेरे हिसाब से तक आ गया, अंजलि भी हो गया। हां, ये लोग तो अभी 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 चुन चुन के एक 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 को निकल रहे हैं और वीडियो में मेरा नाम और वीडियो में ला रहे हैं। बोल बोलो, चुन 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 है, लेकिन हम रहे हैं इसका नाम चुन चुन। ये हमारी और एक हीरोइन, हमारी सिस्टर स्नेहा, ये मौसी की बेटी है, ये हमारी ये मौसी की बेटी है स्नेहा, और ये मौसी की बेटी ये है मौली, और ये आंटी की बेटा आ रहा है, इनका बेटा उधर है। ये हम लोग का सबसे हीरो, सबसे लंबा, ये हम लोग का सबसे बड़ा लंबा बेटा है सी सेक्टर का, और ये भाभी के बेटे हैं, ये भाभी के बेटे। फ्रेंड्स, ये हमारा भाई है, इसका नाम है रोमित चटर्जी, बुबू आंटी का बेटा है। ये अभी रिसेंटली इसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इसने पाया है अपने लाइफ में, फिजिकल एक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया में ये नंबर वन पोजीशन में आया है, और ये बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर भी है। हम लोग बहुत मतलब हम लोगों को पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ये नेशनल टीम में भी सिलेक्ट होने वाला है। हमारा बेस्ट विशेष आप लोग भी विश कीजिए, ताकि ये बहुत अच्छे से अपने लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव कर सके। भाभी को पहचान गए होंगे घर में। लास्ट नाइट मैंने नोचिना चीनी का था, नोचिना चीनी का था, उससे पहले टुआ को ड्रेस बनाई थी। हाय, हम लोग का सब महिला मंडली गाइस, उधर एक बैच इधर एक बैच, और ये हमारी सिस्टर, सबसे ब्यूटीफुल सिस्टर है हमारी। मेरा कंडक्टर बैग पूरा मैचिंग हो गया ना गाइस मेरे साथ, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन और नहीं था, यही बैग मुझे लाना था। हाथ में जो हैंड छोटा जो मनी बैग, मतलब इतना फोन आ रहे हैं सहेलियों के कि मैं वो निकल के
एडजस्ट करके ला नहीं पाई, सामने यही था तो मैं यही लाई। आज हम दोनों का यही लुक है, आज हम दोनों का यही लुक है और ट्रेडिशनल एथनिक लुक। महाअष्टमी दिन के यही लुकटाई ভালো লাগে। আমার মাথাটা কেটে যাচ্ছে তো। এত ফুল করতে করতে পেছিস না তুই? এই যে বাবা মালা বাবাকে দেবো। ওহ কি কি বলতে আরে? টুকু দিকে বলছিল না? এই দেখ পপি। এই দাঁড়া না ফটো। হ্যাঁ হ্যাঁ ফটো পোস্ট করে দে না। ও বলছিল তো মা গো। তুই বলছিল কোনা কই কোনা কই। তুই তো আমি নেব ঠিক আছে। আই আই সে আর তো খেলিয়া এই যে কর যা রে হ্যায় আর हम ভিডিও মে লে রে হ্যায়। और ये हमारे सबसे ब्यूटीफुल कुछ की मेरा दोस्त का दीदी है, लेकिन दोस्त बहुत बदमाश है, आया नहीं है, दीदी को यहाँ छोड़ दिया है। तो उतना दूर में थोड़ी जाएगा, कैमरा के सामने आना पड़ेगा, है ना दोस्त? बोलिए दोस्तों, हमारे क्लासमेट सब एक साथ 92 बैच सब हल्दिया से आए हैं। मंडा मुंडा राहुल केला पूजा से नहीं आया, मुंडा का भी है। गुड इवनिंग गाइस, अष्टमी के दिन एंजॉय किए, सुबह बहुत एंजॉय हुआ, फिर दोपहर में सहेली का घर लंच हुआ, लंच करके डेढ़ बजे करीब घर पे आया हूँ। आके टुआ हुआ लंच नहीं किया था, टुआ को चावल पसंद है तो घर आके फिर उसके लिए चावल आलू पोस्त बनाई और पापड़ उसको भूंज दिए थे, वही देखते हुए अपना लंच कर लिया। और मैं सहेली का घर वहाँ गई थी एक्चुअली पानी पीने, गला सूख रहा था अंजलि देके, तो बोली चल मीता मेरा घर चल, आप वहाँ बैठेगी थोड़ा, हम लोग अड्डा मारेंगे, चाय पियेंगे, फिर तुम आना। तो गए वहाँ, जाते साथ पानी पिए, फिर कॉफ़ी बिस्किट हुआ, बहुत अड्डाबाजी हुआ अचानक से, फिर एकदम थाली सजा के वो परोस के ले आई। उसके घर एक फ्रेंड और भी आई हुई थी, तो सबके लिए वो 12:30 बजे लंच जो है पूरी दो सब्जी मिठाई सारा दे के लंच पूरा करवा के वो छोड़ी। तो आज फास्ट ये था, फास्टिंग था, मुझे तो चावल खाना नहीं था, तो अच्छा हो गया, पूरा बढ़िया लंच एकदम मिल गया रेडीमेड, घर में आके बनाना नहीं पड़ा। अगर जल्दी आज पंडाल से अगर घर आ जाती जल्दी तो मुझे बनाना पड़ता, पूरी सब्जी बना के मुझे खाना पड़ता, लेकिन वहाँ मैं खा लिया और अच्छा भी हुआ, मेरा थकावट भी नहीं हुआ, फुल एंजॉय हुआ वहाँ पर। आप लोग वीडियो में देखेंगे, मेरे जितने सहेली है भाभीया है सब आए थे, बहुत एंजॉय किए। रेस्ट्रिक्शन था, बहुत था पंडाल में, जैसे आप डाला नहीं ले जा सकते, डाला अलाउ नहीं था, पुष्पांजलि भी अलाउ नहीं था, फिर बाद में अलाउ किया पुष्पांजलि, वही गोल गोल चौकड़ी जो है कोरोना टाइम में जब हर जगह पे बैंक में पोस्ट ऑफिस में ऑफिस में हर जगह गोल चौकड़ी दे के लाइन खड़ा करके मास्क पहना के पुष्पांजलि जो है वो हम लोग वैसे करके दिए, दे के वहाँ पर थोड़ा देर हम लोग रहे, आधा घंटा एक घंटा बच्चे लोग एंजॉय किए। और दोपहर में आके फिर वहाँ से सहेली के घर से लंच करके आके टुआ को लंच बना के दिया, खा के दोनों थोड़ा सा पावर नैप ले लिए। फिर शाम को उठे, थोड़ा सा अनइजी फील हो रहा था क्योंकि सहेली बहुत मतलब दे दिया था सब्जी पूरी जो है, भूख भी लगा था, खा गई। और बांधा कॉफी का सब्जी था वो मुझे बहुत फेवरेट है, तो मैं उसको मांग के खाई, बुबू और थोड़ा दो मुझे, तो अनइजी फील हो रहा था शाम से बहुत। फिर इधर उधर थोड़ा घर सजाते, कपड़ा लत्ता जो पहन के गई थी सब सजाते सजाया उसको, फिर थोड़ा मतलब थकावट ला रही थी खुद मतलब शरीर में कि थक जाऊँ तो वो शायद अनइजी जो है वो अच्छा लगे लगने लगे, तो फिर गई वही सब किया। शाम को और निकली नहीं घूमने, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। टुआ गई थी थोड़ा ब्लाउज से दुकान जो गई थी टेलरी दुकान, उसका ब्लाउज जो और एक बाकी था वो लेके वो आ गई, मैं कहीं नहीं निकली घर पे थी, और अभी आपके सामने बैठ गई थोड़ा, तभी तो वहाँ वीडियो में बात हो रहा था, लेकिन आपसे जैसे मेरा बात होता है आप सबसे वैसे तो मेरा नहीं हुआ, तो यही घर का जो माहौल है ये बेड है, यहाँ बैठ के जो मैं आपसे बातें करती हूँ दिन भर का,
थकावट भी मेरा दूर होता है, बहुत एंटरटेन भी मैं खुद होती हूँ, आपको भी शायद करवाती हूँ, मेरा बातें सुन के आप लोग भी एंजॉय करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं फिर बोली ना थोड़ा सा आपसे बात कर लिया जाए आपसे थोड़ा बात। तो बस अभी 9:30 बज गए हैं, डिनर टाइम हो गया है, 2 आवर मैं सो के एक मूवी देख रही थी, बहुत अच्छा लगा, तो फिर ख़त्म हुआ। मैं कोई थोड़ा कैमरा ऑन करूँ, आप सबसे थोड़ा बात कर लूँ। और जाते टाइम अंजलि जब देने जा रहे थे सुबह 9:30 बजे, रास्ता में एक इंसिडेंट हुआ। मैं बोला था कि घर जाके बताऊंगी। हाई स्कूल जब क्रॉस कर रहे थे हम लोग, टुआ का चप्पल का सोल, जूता का जो सोल खुल के पूरा रास्ता में पूरा रूप मतलब रह गया। टुआ आगे जा रही है और सोल पीछे, मतलब गुस्सा भी आ रहा था, घासी भी छूट रही थी बहुत। अब क्या करें, टाइमिंग तो सी सेक्टर का टाइमिंग 9:30 बजे से 10:45 तक शायद अंजलि का टाइमिंग था। अब घर लौट के फिर जूता फिर चेंज करके फिर उतना दूर पैदल जाके चौक से ऑटो पकड़ के सी सेक्टर पहुंचना, या फिर खाली पैर में नंगे पैर में तुम चलो अंजलि देने जा रही हो, ऐसे कुछ ये नहीं कि जूता पहने हैं, खाली पैर में भी सब जाते हैं, कुछ नहीं है होता उसमें, लेकिन मैं जूता पहनी हूँ और वो नहीं पहनेगी वो भी खराब लगता है। फिर वैसे यह एक सामने जो है वहाँ उसका जो फटा हुआ चप्पल वहाँ मैंने छोड़ दिया, गाज का नीचे पेड़ का नीचे मैंने छोड़ दिया और सीधे चल गए ऑटो पकड़ के वहाँ सी सेक्टर में जूता दुकान जो है वहाँ पर चले गए। फिर उसको एक जूता नया जूता शू एक नया जो आपका वो शू भी ठीक ठाक नहीं शू नहीं है, वो हवाई चप्पल जैसा है, थोड़ा उसमें मॉडिफाइड किया हुआ है, सोफिस्टिकेट टाइप का है, तो अच्छा लग रहा है देखने में। वो दिखाया, हम बोले जो भी है पहनो और चलो, उधर खत्म हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा पूरा, क्योंकि षष्ठी का दिन भी मैं जा नहीं पाई, अंजलि ठीक ठाक वहाँ हुआ नहीं है, करने नहीं दिया ऐसे कुछ, मुझे सुनने आया था, तो मैं घर में ही षष्ठी जो पूजा मैं कर दिया था, दिया है घड़ी पर ही मैं जला दिया था। तो आज अगर उसका जूता के चप्पल के वजह से मुझे अगर जाना नहीं होता अंजलि ने, तो एक तो गिल्टी फील होता पूरा रहता मन में कि हाँ दे नहीं पाई, सारा चीज तैयार होके निकल के रास्ता आके फिर घर लौटना पड़ा और वहाँ जाके टाइमिंग खत्म हो जाता, तो और अंजलि दोबारा से वो लोग देने भी नहीं देते, क्योंकि सारा रूल रेगुलेशन मान के वो लोग जो है कमेटी मेंबर, सी सेक्टर के कमेटी मेंबर जो है वो लोग सारा रूल रेगुलेशन फॉलो करके जो अंजलि का इंतजाम किए थे, तो हम लोग को भी फॉलो करना था उस वजह से। तो बस वही बात है कि चप्पल फिर उसको नया एक तो खरीद के दिया हूँ, फिर जाके वहाँ अंजलि दे के तुरंत गई और लाइन में खड़ी हो गई, तो तुरंत हो गया एकदम। फिर हम लोग वहाँ हंसी मजाक अड्डा चला है, बहुत एंजॉय किए। इधर कोरोना सिचुएशन भी चल रहा है, पंडाल में रेस्ट्रिक्शन भी है, लेकिन पंडाल जब तक अंजलि था तब तक उसके बाहर सब आके अपना अपना औकात में सब आ गए कोई और मास्क पहना नहीं, मास्क किसी का चेहरे पे दिखा नहीं, सब पार्स में घुस गया और सब अपने अपने जो है लेके ग्रुप लेके हम लोग मजाक मस्ती किए। मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स भी आए थे, हल्दिया में रहते हैं, कलकत्ता हल्दिया में रहते, वो फ्रेंड भी आए हुए हैं, उनसे भी मेरा भेंट हुआ। वो हर साल आते हैं, एक दूसरे फ्रेंड के घर वो आता है, तो उसके भी भेंट हुआ, अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद स्कूल फ्रेंड्स मिले, तो बहुत वहाँ पर जो है एंजॉय किया, मैंने भी किया, टुआ भी किया। वहाँ से फिर सहेली का घर गई, लंच भी हो गया, बना बनाया लंच भी मिल गया, इससे ज़्यादा और खुशी क्या हो सकता है, बोलिए दोस्तों। तो ये रहा आज का दिन का पूरा शेड्यूल था, सुबह से रात तक का। और अभी जो है भोग लिए थे, एक खिचड़ी भोग एक मंगाए थे, तो वही खिचड़ी भोग रखा हुआ था, तो वो मैंने डिनर कर लूँगी। और टुआ के लिए टुआ वही चावल खाएगी, उसका वही चावल है, आलू पोस्तो है और पापड़ थोड़ा भूज दूँगी, उसके लिए थोड़ा मैंने अभी दाल बना लिया, मसूर की दाल जो मसूर वो दाल मैंने बना लिया, वही देके वो खा लेगी आज तो पूरा भेज। तो कल देखा जाएगा कल क्या होगा, कल मेनू में फिर क्या बनता है नहीं बनता है। टुआ हर सुबह उठ के मेनू सेट करती है, मम्मी आज ये खाना है, मम्मी आज वो खाना है, तो उसके हिसाब से ही मैं बनाती हूँ। तो बच्चे अगर जो चीज़ पसंद करे वही अगर बनाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो सेटिस्फाइडली खाते हैं। अगर मैं अपने मर्जी से बनाऊँ उसको पसंद नहीं है तो दोपहर का लंच पूरा बिगड़ के रख देता है वो,
वो मतलब मुंह ऐसा बनाएगी कि और मुझे तब गिल्टी फील होगा कि मैं उसका पसंद का क्यों नहीं बनाई। तो फिर कल का मेनू टुआ सेट करेगी और सप्तमी में कुछ और दिन भर का ऐसे प्रोग्राम मेरा कल था भी नहीं, बस जो है आप वीडियो में देख लीजिएगा। और रात को भी कल नहीं निकली थी, दाहिना पैर जो है बहुत दुख रहा था, तो इसलिए नहीं, क्योंकि पहले शरीर को देखना है उसके बाद एंजॉय करना है। तो रास्ता में जाके फिर कहीं ज़्यादा हो जाए फिर चल ना पाऊँ, क्योंकि सारा तो डिस्टेंस में है। बंडा मुंडा के 5 जो मूर्तियाँ बनते हैं पूजा होते हैं बंडा मुंडा में, तो पंडाल में जाने तक का रास्ता भी बहुत लेंदी है, ऑटो से उतर के भी पंडाल जाने का रास्ता भी बहुत लेंदी है, तो उतना भी मैं चल नहीं पाऊँ तो रिक्स नहीं लिया, इसलिए निकली भी नहीं थी। तो कल का थोड़ा इसमें क्लिप है देख लीजिएगा, और सप्तमी अष्टमी मिला के ब्लॉग जो है मैंने बनाया। तो बस दोस्तों, आज का अष्टमी यही खत्म होता है, और कल फिर हैप्पी नवमी एडवांस में। सब अच्छे से रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा और बहुत हैप्पी रहिएगा और हंसते रहिएगा। हंसना बहुत ज़रूरी है, मैंने और एक वीडियो में भी कहा था, हंसते रहिए, वजह ना भी हो कोई वजह ज़रूरत नहीं है, अपने आप में हंसते रहिए। हंसने से बहुत बीमारियां भी ठीक होता है, और जितने हम लाइफ में जितने होते हैं हम लोग के दुख कुछ भी हो मन में, वो तो कुछ टाइम के लिए आपका मतलब एक साइड में रह गया। अगर बनावटी हंसी भी आप लाएंगे तो वो हंसते हंसते आपका चेहरे में ओरिजिनल हंसी भी आ जाता है, क्योंकि आप खुद तब एक जोकर बनते हो ना, तो जोकर को देखते तो हम लोग हंसते रहते हैं, तो वो चीज़ क्रिएट हो जाता है अपने आप में, और वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि सब अच्छे रहिए। बोलेंगे कि यह मीता आके ज्ञान दे रही है, नहीं, ज्ञान किसी को मैं नहीं दूंगी, मैं लूंगी ज्ञान, मुझे सब दो बताओ, लेकिन जो मैं फील करता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं खाली आपसे शेयर करती हूँ, बस और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, गुड नाइट। 1 2 3 शुभ।